अत्यंत ही दुखित जानकारी अनुसार कल रात्रि लगभग 11:30 बजे रेवांचल एक्सप्रेस में महिला अपने नवजात बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी। ट्रेन की उसी बोगी में बाजू वाली बर्थ पर कांग्रेस के दोनों विधायक कोतमा के सुनील सराफ और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जो वर्तमान में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, बैठे हुए थे। देर रात नशे की हालत में सिद्धार्थ कुशवाहा द्वारा अबला नारी के साथ गंदी गंदी गालियां दी गई और छेड़छाड़ की गई। महिला ने जैसे जैसे वहां से भागकर दूसरी बोगी में जाकर अपनी रक्षा की और भोपाल पहुंचकर थाने में इन दोनों विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हम सभी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि कांग्रेस के इन रावण रूपी विधायकों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इन दोनों विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस के दो विधायकों को जलाया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने कांग्रेस के दो विधायकों का पुतला जलाया। डंपी खान की रिपोर्ट। आप सभी को विदित है कि कल रात्रि में रेवांचल एक्सप्रेस में एक कांग्रेस के दोनों विधायक यात्रा कर रहे थे, साथ में ही एक महिला जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, वो भी वहां से यात्रा कर रही थी। तो ये कांग्रेस के दोनों विधायक नशे में धुत थे, उन्होंने उस महिला के साथ असली हरकतें की, गाली गलौज की। आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश आह्वान पर आज गुना पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन दोनों विधायकों का पुतला दहन करके इसका विरोध जता रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर उनकी इस कृत्य की सजा दी जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।